ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्टा कॉइन के ऊपर। याद रखिएगा कि लगभग 10 से 11 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। ये वही अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके से मैंने आपको बीबी कॉइन के अंदर बताई थी, और वहां पर एटलीस्ट आपने 100 से लेके $120 का रिवॉर्ड हासिल किया था। अब ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से आई हुई है, ठीक है ना। अब अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से अवेल करना है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। बताता चलूं कि यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको वो प्रोजेक्ट्स बता दिए कि 6 से 7 प्रोजेक्ट जो है वो अभी बाइनेंस के ऊपर 1-to-1 लिस्ट होंगे। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, मेक श्योर कीजिएगा इसको देखिएगा। अब बात करते हैं लिस्टा कॉइन के ऊपर। याद रखिएगा कि लिस्टा कॉइन की जो टोटल नंबर ऑफ सप्लाई जो है वो लगभग 10 बिलियन है, ठीक है। और ये BRC20 टोकन के ऊपर बनाया गया, यानी कि BNB के ऊपर बनाया गया, और BNB के ऊपर ऑलरेडी अभी लिस्ट होने वाला है लगभग 10 से 11 घंटों के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा कि इसका यूज केस की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में ये गवर्नेंस के यूटिलिटी टोकन है एक्चुअली में, जो कि गवर्नेंस के इस्तेमाल के अंदर आता है। और आप अपने अंदर जो है अपने जो है वो BNB, इथीरियम या फिर स्टेबल कॉइन जो है वो स्टेक करके उनको कोलेट्रल लिखवा के जो है वो ये लिस्टा कॉइन भी हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप बोरो भी कर सकते हैं डिफरेंट के, यानी कि कॉइन भी बोरो कर सकते हैं। यानी कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को रन करता है, जिसका एक नेटिव टोकन है विच इज लिस्टा, ठीक है। अब अगर मैं लिस्टा कॉइन की प्राइस पोटेंशियल की बात करूँ तो कि लगभग प्राइस जो है वो अंडरस्टैंड की जा रही है या एक्सपेक्ट की जा रही है विच इज $2 से लेके लगभग $8-12 के बिटवीन भी हो सकती है मुमकिन तौर पर। बट सवाल यहाँ पर यह है कि याद रखिएगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स एज सच वो बुलिश नहीं है, ठीक है। जब पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बेयरिश ट्रेंड में है, नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, विच मींस के याद रखिएगा कि ये भी एज सच उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम इससे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आपने पेशेंस के साथ, अगर ऑलरेडी अगर आप स्टेक कर रहे हैं यानी कि आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा लिस्ट होते ही जो है आप उसको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है, सेल ऑफ कर देना है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो इसको करेक्शन होने का दीजिएगा, ठीक है। लगभग एक हफ्ता एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट को दीजिएगा, तो यह है कि प्राइस जो है वो अपनी एक स्टेबल प्राइस की तरफ आ जाए, और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। मेक श्योर कीजिएगा ये आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। सो अब अगर मैं बात करता हूं इस प्राइस की, इस प्रोजेक्ट की, तो याद रखिएगा कि इससे इसके मिलते जुलते यूज केस ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। यहां पे मैं बुलन की बात करता हूं कि एटलीस्ट एक डेढ़ साल आप होल्ड करते हैं 2025 के बुलन तक के लिए, तो यकीनन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ये $10-12 के बिटवीन हिट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है, ठीक। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करें, उससे पहले बताता चलूँ कि इस तरीके के जो है वो 6 से 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर अभी लिस्ट होने वाले, जो कि एक्चुअली में सिर्फ उसे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होंगे। और बाइनेंस का आपने जलवा देखा है कितनी बड़ी हाइप होती है और कितने ऑलरेडी पर्सन जो है वो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को लाजिम देखिएगा, 1-to-1 वीडियोज आपको मिल जाएगी अगर नहीं आएगी तो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो यकीनन आपको वक्त से पहले चीजें मिल जाएगी, आप अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, इस इंडस्ट्री से जो है वो लगभग फायदा उठा पाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा एटलीस्ट आपके पास अगर $10 भी है, $10 से लेके आप लगभग $120-130 का रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं जो अपकमिंग डेज के अंदर मैं आपके साथ जो वीडियो रिलीज करूंगा उसके अंदर यकीनन आप अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट उठा सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं उसके अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।